जानिए अकोला शहर की 10 बड़ी खबरें। पहली बार इस तरह की बदली हुई कि अब मनपा आयुक्त नीमा अरोरा जी जिलाधिकारी और जिलाधिकारी जितेंद्र पापड़कर जी मनपा आयुक्त। इस बदली से विकास कामों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पापड़कर जी 2010 बैच के अधिकारी हैं और नीमा अरोरा जी 2014 बैच की IAS अधिकारी है। बाड़ापुर तालुका वाड़े गांव के रहवासी आरोपी गोपाल चंद्रबान हाडोड़े ने अकोला के डॉक्टर संदीप साहेब राव अरसठ से 25 लाख रुपए का धोखा किया, जिसकी शिकायत शेगांव पुलिस स्टेशन में की गई। आरोपी गोपाल हाडोड़े पर भादवी 1860 की कलम 420 अन्वय गुना दाखिल किया गया है। पुलिस आरोपी गोपाल की तलाश कर रही है। मनपा आयुक्त नीमा अरोरा जी के आदेश पर अकोला मनपा उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत मालीपुरा में किए गए अनधिकृत निर्माण को हटा दिया गया है। इसके अलावा अकोटफेल के सरकारी जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा ईंट की दुकान बनाकर कब्जा कर लिया था, जिसे प्रशासन ने छुड़वा दिया। साथ ही ग्वालीपुरा में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जॉय जॉन नामक व्यक्ति ने दारू विक्रेता राजू जायसवाल के खिलाफ सिविल लाइन थाना में रपट दी, जिसके आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने राजू जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी अपराध दर्ज किया था। किंतु प्राथमिकी दर्ज होने के कुछ घंटों के भीतर शिकायतकर्ता ने यू टर्न लेते हुए कार्रवाई नहीं करने की अपील की, जिसके लिए उसने थाना में हलफनामा भी पेश किया। एडवोकेट धनश्री देव स्मृति सेवा प्रकल्प के अंतर्गत रुग्ण सेवा उपकरण बैंक का लोकार्पण। रश्मि देव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रुग्ण सेवा उपकरण बैंक की स्थापना का उद्देश्य यह है कि मरीजों को निशुल्क मेडिकल उपकरण देना, जैसे जनरल बेड्स, एयर बेड्स, व्हील चेयर्स, वॉकर्स, कमोड चेयर्स, सलाइन स्टैंड, नेबुलाइजर आदि। सरकार ने कृषि सम्मान योजना के तहत नियमित रूप से अपना ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 प्रोत्साहन पुरस्कार देने की घोषणा की थी। जिलाधिकारी ने सभी तालुकों के तहसीलदारों से योजना में शामिल किसानों की सूची मांगी थी, लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकार ने कोरोना संकट की स्थिति में जो किसानों के लिए कृषि सम्मान योजना घोषित की थी, उसका लाभ उन्हें अभी तक नहीं मिला है। अकोला स्वास्थ्य विभाग की ओर से मई जून महीने के दौरान जिले के विभिन्न गांवों से पीने के पानी के 769 नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। उनमें से करीब 154 गांवों के नमूने दूषित पाए जाने की जानकारी उजागर हुई है। और आश्चर्य की बात यह है कि अनेक गांवों में पीने का पानी साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अकोला जिला परिषद शिक्षा समिति ने किया बड़ा फैसला। जिले के मुख्यालय में नहीं रहने वाले जिला परिषद शिक्षकों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा और अब तक दिया गया किराया भी वसूल करने का प्रस्ताव जिला परिषद शिक्षा समिति की सभा में मंगलवार 13 जुलाई को मंजूर किया गया। शिक्षा सभापति सावित्री राठौड़ की अध्यक्षता में हुई सभा। अकोला में करीब 250 से ज्यादा थैलेसीमिया बच्चे हैं। इन्हें हर 15 दिन में ब्लड की जरूरत पड़ती है, जिससे इनके शरीर में लोह तत्व यानी आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके लिए इन्हें आयरन चीले राशन की दवाई रोज खानी पड़ती है, मगर करीब 2 महीने से यह दवा अकोला जिला सरकारी अस्पताल में नहीं है। इसके कारण बच्चों पर भयंकर दुष्परिणाम हो रहा है। कल हुए IAS अधिकारियों के बदली के बाद अब विदर्भ के जिलों के जिलाधिकारी पदों पर महिलाएं हैं, जैसे पवनीत कौर अमरावती, नीमा अरोरा अकोला, विमला आर नागपुर, नयना गुंडे गोंदिया, प्रेरणा देश भ्रतार वर्धा, प्राजक्ता वर्मा नागपुर विभागीय आयुक्त। यह परिवर्तन दिखाता है कि देश में नारी सशक्तिकरण 100% सफल हो रहा है। दिव्य हिंदी आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। तो देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज़ से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए दिव्य हिंदी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।